नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव यादव, क्रॉप एग्री फार्मिंग फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की फसल पर, चर्चा करेंगे जो गन्ने में जो विशेष बीमारी आजकल लग रही है, जो गन्ने को हम लाल सन रोग कहते हैं, जो रेड रॉट डिजीज कहते हैं इसको, तो इस बीमारी के बारे में आपको बताएंगे कैसे बीमारी लग रही है, क्या इसका तरीका है, क्या इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, गन्ने में जो रेड रॉट बीमारी आ रही है, वह बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। इसके प्रारूप देखे जाते हैं गन्ने में कि गन्ने के पौधे सूख जाते हैं और गन्ने में तना पूरा लाल हो जाता है अंदर से, जो गन्ने में जो गुदा होता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो उससे हम कुछ किसान भाई उसको गन्ने का कैंसर रोग भी कहते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ को हम बताएंगे, गन्ने में जो बीज जनित रोग, एक लाल सड़न रोग कहते हैं, एक प्राचीन असाध्य रोग होता है, असाध्य रोग होता है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये एक बीमारी, बहुत ही एक बीमारी महामारी के रूप में हमारे देशों में गन्ना की वैरायटियों में फैल रही है। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की रोकथाम करने के लिए हम आपको बताएंगे, हालांकि इसका अभी रासायनिक दवाइयाँ अभी नहीं आई हैं और अभी ना ही खोज हो पाई इस दवाई के बारे में, क्योंकि कतई बीमारी कंट्रोल का ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म तो अभी नहीं होगी क्योंकि दवाई नहीं आई है। तो इसका कंट्रोल आप कर सकते हैं, वो एक फिजिकल तरीके से कर सकते हो, कुछ ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हो और फसल चक्र द्वारा अपना के कुछ अलग कर सकते हो। तो किसान भाई, मैं बताऊंगा कि ये रेड रॉट बीमारी क्या होती है। रेड रॉट बीमारी एक फंगस ही होती है, फंगल बीमारी होती है, ये गन्ने में रोग जनित बीमारी होती है। तो इसको रोकथाम क्या कर सकते हैं, आप जो गन्ने की बुवाई करें, तो गन्ने की बुवाई करें तो उसमें फंजीसाइड प्रयोग करें, अच्छे फंजीसाइड प्रयोग करें और उसके साथ में इंसेक्टीसाइड प्रयोग करें, और दूसरी बार बीज, जो गन्ने का बीज होता है उसका चयन अच्छे तरीके से करें, अच्छी वैरायटी का चयन करें, जिस वैरायटी में रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा हो, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा हो, वो ऐसी बीमारी ऐसी वैरायटी का चयन करें, ठीक है किसान भाई। और दूसरी बात ये कि फंजीसाइड का अच्छा प्रयोग करें, उसको बीज उपचार करके गन्ने की बुवाई करना चाहिए। फंजीसाइड जैसे आपको बता दें, टाइफनाइड मिथाइल होता है, TPM कहते हैं, शॉर्ट नेम उसको कहते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और आपके सल्फर प्लस्ट भी कोनाजोल आते हैं, वो यूज कर सकते हो, और इसके साथ में इंसेक्टीसाइड यूज कर सकते हैं, तो इसके आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बीमारी हमारे गन्ने में 6 से 7 महीने में दिखाई देने लगती है बीमारी, तो उसी टाइम एक स्प्रे आप कर सकते हो, एक नार्को T3 दवा आती है जो पारिजात कंपनी की, तो आप उस दवा का यूज कर सकते हो, उसका वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग होता है बीमारी दवाई का, तो आप उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, तो प्रयोग करें तो उस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि ख़त्म नहीं हो सकती, कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भाई उसको वो 6 से 7 महीने में उसकी स्प्रे होती है, तो आप कर सकते हो। और किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाएं और अच्छी वैरायटी का चयन करें, और इस बीमारी का तभी आप इसका मतलब कि कंट्रोल कर सकते हो। एक तरीका और होता है, वो लगभग किसान भाइयों टफ होगा, फिलहाल आप कर सकते हो, करना चाहें तो। किसान भाइयों, तो बीज का उष्म उपचार किया जाता है, मतलब कि उसको हीट टेम्परेचर के हिसाब से बीज को उपचार किया जाता है। वो उपचार तरीका क्या होता है, जो गन्ने का बीज होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढाई से डेढ़ घंटे तक उसका नम गर्म वायु उपचार पर 50 डिग्री सेल्सियस पर घट के गर्म पानी में उपचार कर सकते हो, गर्म पानी उपचार करके, इससे टेम्परेचर आपको पानी गर्म करना है, उसी में गन्ने को डिप करना है उसी टेम्परेचर पे, तो आप उस तरीके से एक उपचार कर सकते हो। इस विधि को हम कहते हैं बीज उष्म उपचार कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो गन्ने में जो रोग, जो पेड़ के अंदर जो रोगाणु कारक मर जाते हैं, उस टेम्परेचर से रोगाणु कारक होते हैं, जो लाल सड़न के रोगाणु कारक होते हैं, वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे भी ये आप तरीका अपना सकते हो, और उसके साथ में इसके ये स्टरलाइज करने के बाद फिर आप एक फफूंदी नाशक दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हो, फिर आप गन्ने की बुवाई कर सकते हो, तो इस बीमारी का जो प्रकोप कम हो सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये आपको लाल सन रोग की बीमारी के बारे में आपको जानकारी दी।
नमस्कार किसान भाई, एक बार आपसे प्लीज़ आपसे कहते हैं कहना चाह रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट बॉक्स में लिखें, जो आपको वीडियो जिस फसल के बारे में वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं वीडियो आपके मुताबिक बना सकूँ और आपको एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।